So guys, बात करने वाले हैं OnePlus के OxygenOS 12 और Android 12 अपडेट के बारे में। वैसे तो दोस्तों OnePlus ने काफी सारे स्मार्टफोन के लिए OxygenOS 12 का और Android 12 का स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया है, बट दोस्तों OnePlus ने एक बार फिर से OxygenOS 12.1 और Android 12.1 का एक बार फिर से उन स्मार्टफोन्स के लिए अपडेट रोल आउट किया है जिन स्मार्टफोन के लिए ऑलरेडी स्टेबल अपडेट मिल चुका है और बग फिक्सिंग वाला जो अपडेट है वो रोल आउट किया है। तो दोस्तों ऐसे कौन से स्मार्टफोन्स हैं जिनके अंदर ये अपडेट देखने को मिला है, तो आज के इस वीडियो में उन्हीं स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहां पर बात करने वाले हैं OxygenOS 12 और Android 12 अपडेट के बारे में। यहां पर OnePlus ने अपने कुछ स्मार्टफोन के लिए ऑलरेडी स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया है, बट दोस्तों बग्स काफी होने के रीजन से एक बार फिर से OxygenOS 12.1 का और Android 12.1 का एक बार फिर से OnePlus ने अपडेट रोल आउट किया है उन्हीं स्मार्टफोन के लिए। तो ऐसे कौन से स्मार्टफोन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कौन से स्मार्टफोन के अंदर स्टेबल अपडेट मिल चुका है। तो दोस्तों यहां पर OnePlus की 9 सीरीज के अंदर OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और OnePlus 9R इन तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको OxygenOS 12 का और Android 12 का स्टेबल अपडेट मिल चुका है। बट दोस्तों OnePlus 9R स्मार्टफोन के बारे में भी बात करेंगे तो वो वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसके बाद दोस्तों OnePlus की 8 सीरीज के अंदर OnePlus 8, OnePlus 8 Pro और OnePlus 8T इन तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों OnePlus Note 2 5G के अंदर और OnePlus Note 5G के अंदर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इन सभी स्मार्टफोन के अंदर आपको एक बार फिर से OxygenOS 12 का और Android 12 का बग फिक्सिंग वाला अपडेट देखने को मिला है, जिसको दोस्तों OxygenOS 12.1 और Android 12.1 भी कह सकते हैं आप, और ये अपडेट कर सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन मिल गया है तो नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट कर लीजिए। अदरवाइज दोस्तों आप अपने फोन सेटिंग के अंदर जाइए, वहां पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पर क्लिक कीजिए और चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। 1.5GB का ये अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करें कौन से स्मार्टफोन के लिए बीटा अपडेट रोल आउट किया है हाल ही में OnePlus ने, तो दोस्तों यहां पर OnePlus 7 सीरीज के लिए एक बार फिर से बीटा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें दोस्तों OnePlus 7 सीरीज के अंदर आपको OnePlus 7, OnePlus 7 Pro और OnePlus 7T और 7T Pro इन चारों स्मार्टफोन के लिए एक बार फिर से OxygenOS 12 का और Android 12 का बीटा अपडेट रोल आउट किया गया है। अगर आप इसके एक बीटा यूजर हैं तो डेफिनेटली ये अपडेट कर सकते हैं। बात करते हैं OnePlus 9R स्मार्टफोन के बारे में। काफी सारे यूजर्स की क्वेरी है कि OnePlus 9R स्मार्टफोन के अंदर क्या OxygenOS 12 का और Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि OnePlus 9R के लिए पहले वाला बीटा अपडेट रोल आउट किया गया है, जो कि दोस्तों OnePlus 9R के अंदर आपको अवेलेबल हो चुका है। अगर आप एक बीटा यूजर हैं तो उसको मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से डाउनलोड करके आप मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। बट दोस्तों काफी सारे बग्स और इश्यू के कारण एक बार फिर से बीटा अपडेट रोल आउट होगा, और उसके बाद दोस्तों 3 नंबर का बीटा अपडेट रोल आउट होने के बाद OnePlus 9R स्मार्टफोन के अंदर आपको स्टेबल वाला OxygenOS 12 और Android 12 का अपडेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही कुछ ऐसे स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन्स के अंदर आपको OxygenOS 12 का और Android 12 का बीटा और स्टेबल अपडेट देखने को मिला है। आपके पास OnePlus का कौन सा स्मार्टफोन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में यही था, वीडियो कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वीडियो में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।